I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Assalamualaikum boys, कैसे हैं आप? तो अभी यार वो स्टेरिंग पकड़ के ले आए हैं हम, तो घर से निकले हैं। कसम से यार बिलालगंज के अंदर ना बंदा जाए हमारे जैसा तो जलील ही हो जाता है। ऐसा फर्स्ट टाइम बिलालगंज गया था, कैसा है भाई? बहुत ही बुरा हाल है, पता होना चाहिए चीजों में, वरना मैं ढुल गया तुम। रुलते गए यहाँ पर, चासू बैठी आई है। चास यार ये स्टेयरिंग पीछे पड़ा है, मैं इसको लगवाता हूँ ना, तो चस तो वाकई बढ़िया ही गया। और ये कसम से ये गंदे से स्टेयरिंग से ना जान छूटे। तो एज यूजुअल परंपरा बरकरार रखते हुए पेट्रोल फिर हमारा निश्ता। तो 210 वाला प्रैंक कल ऐसा हुआ है, 37 वाला के पेट्रोल ही नहीं महंगा हुआ, और मैं कहता हूँ मजा ही आ गया रश का। मैं सुकून से, अच्छा डिसीजन था कल ही मैंने डलवाया, अब सुकून से जाके ना डलवाता हूँ। डलवाना के 1500 गई है अभी। रीजनिंग ये कि गाड़ी का वो बुश की वजह से ना एक दिन के लिए गाड़ी देनी पड़ी है, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि पेट्रोल वो गए भी ना कर लेना, कोई पता नहीं 210 के ऊपर लालच आ जाती है, तो इसी वजह से पंप से डलवा लेते हैं। वैसे है मुझे नहीं लगता ये पूरा डाल के दें, लेकिन अब इतना ही लगा हुआ है, हम एसी के बगैर आगे नहीं जा सकते। 1450 रुपये में 6.89 लीटर, 1500 का करा लेते हैं। इस PSO का वैसे पेट्रोल अच्छा तो नहीं होता, लेकिन अब मजबूरन डालना पड़ेगा। ऐसा रे, फ्यूल की सुई देख इधर चली गई है यार, ऐसा ना अब तो हम लाहौर पूरा घूम लेंगे इतने पे। यार ही यार, पेट्रोल का भी सही प्रैंक हुआ हुआ लोगों के साथ। चलो यार अब हम जा रहे हैं मुंटगोमरी रोड, तो वहां पे जाके दुआ करो स्टेयरिंग लग जाए यार, चक्कर ना पड़े इस गर्मी में, इट्स इम्पॉसिबल। तो अब फिर वहां जाके देखते हैं बाकी काम क्या करवाने हैं इसके। ऐसे लग रही है जैसे बहुत ना कोई स्वाद का काम है। ओ प्यारी गाड़ी। तो यार ये ना सुबह की पता नहीं 5वीं बोतल है इंसान जान, स्पॉइलर का करा लिया, तो वो मैंने कहा चलो लगवा भी लेता हूँ, तो पैसे तो दे दिए उसको। अब ये रिम्पर्सन गाड़ी तो लिया तो इनसे ना स्पॉइलर लगवा लेता हूँ। काम करवा लिया है, ये मीटर देखें जनाब निकला पड़ा है। स्टेयरिंग फिलहाल मैंने अभी चेंज नहीं करवाया क्योंकि अभी मैं इसका स्पॉइलर लगवाने जा रहा हूँ। ये दरवाजे का भी काम दे दिया होने के लिए, तो अब इतनी बुरी गाड़ी अंदर से लग रही है, अंदर से साफ ही है गाड़ी यार, ये खुशी है मुझे। ओ यार मैं आगे आ गया हूँ शायद, शिट। ये स्पॉइलर ब्लैक ही है ना, और रोल ही है, रूफ भी ब्लैक, लाइटें भी ब्लैक, ब्लैक ही ब्लैक। क्यों भाई? हाँ ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक। रैप करवाने लगे हैं भाई, गाड़ी बेचने लगे हैं। हमारे नसीब इतने बुरे हैं, ये रिम्पा मॉल के अंदर बैठे हुए हैं और ऐसे ना हमारे इन ड्राइवर बुक मार रहे हैं, वो स्टेयरिंग था ना वो नहीं हुआ फिट इसके अंदर। तो हम ईके का 4 स्पोक लेना है बिलालगंज से, तो जिगरा बाइक लेके जा रहा है। और मेरा मैं अभी मीटर वाला भी नहीं आया, तो मीटर लेके मैंने मीटर करवा के गाड़ी लेके जानी है। तो अब हम ये देखो टाइम मैनेज कर रहे हैं अपना, और इसके बाद एक और बड़ा काम है जो पिछले हफ्ते का गड़बड़ हुआ है वो भी करना है। तो जलाला तेज प्रो मैक्स। अरे यार आपको मेरी वजह से इतनी खजल खबारी करनी पड़ रही है भाई, आवाज़ार हो के सुन से जा रहे हैं, लेकिन दोस्त वो जो मुसीबत में काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह।
डैशबोर्ड की लुक दिखाऊं क्या, गाड़ी की लुक नहीं कर रही है यार, काफी ज्यादा ब्राइट कर दी है, मतलब मजेदार नीडल्स आ रही हैं इसकी। तो अब यार चलें, एहसन को कब का भेजा हुआ, मेरे पास कोई रास्ते के लिए फोन भी नहीं है। एसी खोलो यार, मर गए हैं, वो गर्म हवा निकली अंदर से। रिम्पा अल्लाह हाफिज, आई वॉन्ट कम हियर अगेन। गाड़ी यार जंग हो गई है, मीटर ने खुदा की कसम पैसे पूरे करा दिए हैं यार। अब कोई थोड़ी सी ना, थोड़ी सी पेपरिंग स्टिकरिंग, मतलब अब गाड़ी के काम मेरे ख्याल से कल पेंडिंग हो गए।